टुडे टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा। स्मिथ क्लासिफिकेशन इज जेस्यू इन 1836 में उन्होंने क्या कहा था कि मोसिस बर्ड से रिप्रेजेंट कर रही हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा या ब्रायोफाइटा को एक सिर्फ सिंगल वर्ड से रिप्रेजेंट करा। इनके अकॉर्डिंग द यूज ऑफ वर्ड मोसिस इज रिप्रेजेंट दिस ग्रुप इज ब्राउन। ब्राउन के अनुसार 1864 में इंट्रोडक्शन द ब्रायोफाइटा फॉर द फर्स्ट टाइम इस ब्राउन ने इन 1864 में ब्रायोफाइटा टर्म यूज़ करी थी सबसे पहले। और शिम्पियर ने इन 1879 में ब्रायोफाइटा को रैंक ऑफ डिवीजन में रखा। इलिचोर्स ने 1883 में डिवाइड करा ब्रायोफाइटा को दो क्लासेस में। वो दो क्लासेस थी हैपिटेसी और म्यूसी। हैपिटेसी लीवरबर्ड म्यूसी मोसिस। ये डायग्राम है हैपिटेसी का। हैपिटेसी जो है लीवर की मेडिसिन बनाने में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अगर बात करें हम म्यूसी या मोसिस की, ये डायग्राम है मोसिस का। और हाउ ने इन 1899 में ब्रायोफाइटा क्लासेस में उन्होंने तीन क्लासेस दे दी। पहले हमने दो क्लासेस पढ़ी हैपिटेसी और म्यूसी, और आगे हम तीन क्लासेस पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा में। वो तीन क्लासेस हैं हैपिटेसी, एंथ्रोसिरोटिएसिस एंड म्यूसी। हैपिटेसी का डायग्राम और म्यूसिस का डायग्राम देख लिया है आपने। अब आपके पास है एंथ्रोसिरोटिएसिस। एंग्लर ने 1892 में क्या किया, सब डिवीज़न द क्लास हैपिटेसी एंड म्यूसी। हैपिटेसी और म्यूसिस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, और उसके बाद दो क्लासेस के बाद इनके तीन ऑर्डर बना दिए। हैपिटेसी लीवरबर्ड और म्यूसिस मोसिस, और ये हमारे क्लासेस हैं ब्रायोफाइटा के। और आगे इनके थ्री ऑर्डर्स हैं मार्टिनशियल्स, जिंगर मैनियल्स, एंथ्रोसिरोटिएल्स, स्फैग्नियल्स, एंड्रियल्स एंड ब्रायल्स। स्ट्रक्चर ऑफ मार्टिनशियल, जिंगर मैनियल्स, एंथ्रोसिरोटिएल्स, स्फैग्नियल्स, एंड्रियल्स, उलास है ब्रायल्स। यहाँ पे बड़े ज़्यादा ब्रायोलॉजिस्ट आए, उन्होंने मोस्ट एडवांस या इंडिविजुअल टाइप ऑफ इंक्लूड करा मोसिस को और जो टर्मिनल इन द सिंपल रिड्यूस फॉर्म ऑफ मेंबर ऑफ द हैपिटेसी। सिंपल मेंबर है ये हैपिटेसी के। इस वर्डों ने 1932 और 67 में क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि जो डिवीज़न डिवाइड करा है हमने क्लासेस मोसिस को इंटू थ्री क्लासेज में, स्फैग्नियल्स, एंड्रियल्स एंड ब्रायल्स, और आगे इनके 17 ऑर्डर्स बनी। तो फर्दर क्लासिफाइड इनटू हैपिटेसी, इनटू हैपिटेसी का फर्दर करा तो दो सब क्लासेस बनी। फर्स्ट थी हैपिटिकल्स एंड एंथ्रोसिरोटिएल्स। एंथ्रोसिरोटिएल्स के आगे फाइव ऑर्डर हुए, और कश्यप ने 1999, पांडे इन 1958 एंड 60 में, उदय इन 1907 और स्मिथ ने 1955 में। अब उन्होंने अडॉप्ट कर ली थी कि जो स्कीम की हैपिटेसी इज बीइंग द बिग क्लास मोसिस एज अ लास्ट क्लास। उन्होंने कहा था कि हैपिटेसी की लास्ट क्लास होगी म्यूसिस या म्यूसी। और स्मिथ इन 1935 उन्होंने कहा था कि एंथ्रोसिरोटिएसिस हमने कहाँ से ली है, एंथ्रोसिरोटिएस से ली है। उसके बाद टिपो ने सजेस्ट करा था ए ट्रेचेटा फॉर अ ब्रायोफाइटा, उन्होंने नाम सजेस्ट करा था ए ट्रेचेटा फॉर अ ब्रायोफाइटा के लिए। और रोथ मेलो ने सजेस्ट करा था अल्टरनेशन नेम ऑफ हैपिटोकोप्सिडा। हैपिटोकोप्सिडा किसके लिए, हैपिटेसी के लिए। एंथ्रोसिरोटोप्सिडा किसके लिए, एंथ्रोसिरोटिएसी के लिए। ब्रायोपोसिडा किसके लिए, म्यूसी के लिए। हेयर द क्लासिफिकेशन गिवन बाय द स्मिथ इन 1935 में, इन्होंने हैपिटेसी हैपिटोकोप्सिडा में रखा। जो गैमेटोफाइट जो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडीज हैं वो कैसे होंगी, डोर्सल वेंट्रल होंगी। हम उनके लीफ को देख के पता लगा सकते हैं कौन सा सर्फिस डोर्सल है, कौन सा वेंट्रल है। और डिफ्रेंशिएट हो रहा है थैलोइज और फोलियज में, सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है कहाँ पे, डोर्सल सर्फिस ऑफ द बॉडी में। अगर बात करें हम इसके प्लांट बॉडी की, तो फोलियज एंड विदाउट मिड रिब, यहाँ पे कोई भी विदाउट मिड रिब अरेंजमेंट है एक्सिस में। ऑन द एक्सिस पेरिनोइड इसमें एब्सेंट है, राइजोइड वन सिंगल सेल में प्रेजेंट होंगे। स्प्रिंजिया जो है ले कर देते हैं क्लोरोप्लास्ट एंड स्टोमेटा। स्पोरोजेनेसिस टिश्यू जो है ड्राइव हो रही है एंडोथीशियम ऑफ एम्ब्रियो से। कैप्सूल जो कॉलुमेला है वो इंटरकैलोरी मेरिस्टेम जो है एब्सेंट है यहाँ पे। कैप्सूल जो है लीनियर शेप में प्रेजेंट है। हैपिटेसी हैपिटोकोप्सिडा हैज बीन डिवाइड इंटू फोर ऑर्डर्स। पहले हैपिटेसी को चार ऑर्डर में फिर से डिवाइड कर दिया। वो चार ऑर्डर कौन से हैं, वो ये चार ऑर्डर्स हैं। फर्स्ट है स्फेरियो कार्पेल्स, स्फेरियो कार्प बस मार्केंशियल्स, रिस्किया मार्केंशिया, जंगो मैनियल्स, स्पिलिया एंड पोरेला, स्कैलोब्रायल्स, स्कैलोब्राया। ये सारे जो हैं हम आगे स्टडी करते हैं आज भी। आगे एंथ्रोसिरोटिएसिस में, एंथ्रोसिरोटोप्सिडा में जो हमने गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी कैसी है, यहाँ पे भी डोर्सल वेंट्रल है, डिफरेंशिएट है यहाँ पे थैलस लाइक में। और एंथ्रोसिरोटोप्सिडा हमने पहले पढ़ भी लिया है।
अगर आप इस पे डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में वीडियो चेक कर सकते हो। गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी डोसोवेंट्रल है और इंटरनल होमोजीनस और इंटरनल टिश्यू डिफरेंशिएट एब्सेंट है। यहाँ पे स्केल एब्सेंट है। राइजोट जो है स्मूथ वॉल स्ट्रक्चर वॉल बनाएंगे। सेल ऑर्गेनिज्म इंबॉडेड होते हैं, धंसे होते हैं। गैमेटोफाइट में स्प्रिंजिया डिफरेंशिएट करता है फूट और कैप्सूल में। यहाँ पे सीटा जो है रिप्लेस हो जाता है मेरिस्टेमेटिक जोन में। आगे जो है लोअर पार्ट कैप्सूल बना होता है मेरिस्टेमेटिक का। स्प्रिंजियम टिश्यू ड्राइव फ्रॉम एम्फीथीशियम ऑफ एम्ब्रियो जो स्पोरोजेनस टिश्यू है। कहाँ से ड्राइव होते हैं? एम्ब्रियो ऑफ एम्बो इज एम्फीथीशियम से। जो एम्ब्रियो एंडोथीशियम है एंडोथीशियम है वो क्या करता है? फॉर्मेशन करता है स्ट्राइल कॉल्यूमेला की। जो कैप्सूल है डेंसिव एंड बेसिक कैप्सूल की कैसे हैं? दो बाई बल्ब्स हैं और ये शो करते हैं हाइग्रोस्कोपिक ट्विस्टर इन नेचर। और यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट जो है गैमेटोफिटिक बॉडी और पैरेनोइड इसमें प्रेजेंट हैं। और क्लास की बात करें एंथ्रोसिरोटेसी में सिंगल ऑर्डर हम पढ़ते हैं एंथ्रोसिरोटेल्स। और ये क्लास जो है इसमें दो फैमिलीज हम पढ़ते हैं। फर्स्ट है एंथ्रोसिरोटो एसी और नोटोथाइलेसी। एंथ्रोसिरोटेसी में हम एंथ्रोसिरोटेस पढ़ते हैं और एंथ्रोसिरोटेसी एग्जांपल नोटोथाइलेस पढ़ते हैं। ब्रायोपसीडिया और म्यूसिस की बात करें तो यहाँ पे जो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है बनती है। इस प्रोस्टेट कैसे होती है? मेड अप ऑफ प्रोस्टेट थैलोइड्स एंड ब्रांचेस प्रोटीनिमा। इरेक्ट लीफ गैमेटोफोर में देखने को मिलती है। और जो लीफ है पेरिस्टोम एंड स्पाइरल अरेंजमेंट होगी ऑन अ स्टेम। राइजोइड जो है मल्टी सेलुलर ब्रांच ओब्लिगेट एंड सेप्टेट होंगे। बात करें तो इसके एपिकल सेल की वो शो करेगा एक डेफिनेट एपिकल सेल इन अरेंज डेवलपमेंट अच्छी होगी यहाँ पे एपिकल सेल की अर्ली डेवलपमेंट। एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया डेवलप करते हैं एक सुपरफिशियल सेल, एक अच्छा सुपरफिशियल सेल बनाते हैं कहाँ पे? गैमेटोफोर में। और ये प्रेजेंट होता है एपिकल पोजीशन पे। स्प्रिंजियम इस डिफरेंशिएट कर देता है फोर सीटा और कैप्सूल में। वॉल कैप्सूल मेड अप ऑफ मैनी लेयर्स एंड स्टोम बोन इट। कैप्सूल जो है बनता है बड़ी ज़्यादा मैनी लेयर्स से स्टोमा की और बोन टू इट। एंडोथीशियम इज सेंट्रल कॉल्यूमेला। एंडोथीशियम जो है सेंट्रल में कॉल्यूमेला है और अच्छे स्प्रिंजियम है। आगे 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 ये वाला पॉइंट। आर्चिस स्पोरेंजियम टेक द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर। आर्चिस स्पोरेंजियम जो है किसकी फॉर्मेशन करती है? स्पोर, ओनली स्पोर की। इलास्टर जो है यहाँ पे अब्सेंट है। फर्दर डिवाइड करा है इसको थ्री सब क्लासेस में। फर्स्ट है स्फैग्निडिएसी, इसे हमने फर्दर डिवाइड करा है सिंगल ऑर्डर स्फैग्निएल्स में स्फैग्नम। और सब क्लास है इसमें एंड्रियल्स, सिंगल ऑर्डर है इसका एंड्रियल्स एग्जाम्पल एंड्री एंड न्यूरोटोमा। उसके बाद सेकंड क्लास है ब्राइडियाई, इसमें 15 ऑर्डर देखने को मिलते हैं और कॉमन जो कॉमन देखने टू कॉमन है इसमें और इंपॉर्टेंट ऑर्डर है इसका। फिनेरियल्स में फाइव फैमिलीज में डिवाइड है ये और एग्जांपल फिनेरियल्स। पॉलीटाइचियल्स हमें सिंगल फैमिली देखने को मिलती है यहाँ पे ऑर्डर पॉली और पॉलीटाइचियम पोगनोटम। पोस्कर क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा में हम इस ग्रोथ मिले 1959 इन पोस्कर इन 1957 एंड गिवन द टैक्सोनोमा फॉर ऑल नेम दैट इज हैपिडोकोपसीडा एंड हैपिटेसी। हैपिडोकोपसीडा हैपिटेसी एंथ्रोसिरोटोपसीडा एंड एंथ्रोसिरोटेसी और ब्राइडोपसीडा फॉर्मोसिस एंड दे हैव दे क्लासिफाइड इन टू रिकोगनाइज इंटरनेशनल बोटानिकल नेम एंड क्लेचर के अनुसार। उन्होंने कहा था कि ये जो डिवीजन दी गई है हैपिडोकोपसीडा इन टू हैपिटेसी एंथ्रोसिरोटोपसीडा फॉर एंथ्रोसिरोटेसी ब्रायोपसीडा फॉर म्यूसी यमोसिस से लिए गए हैं। ये सारे जो हैं ठीक है इंटरनेशनल बोटानिकल नोमेनक्लेचर के अनुसार, कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर के अनुसार। उन्होंने क्या कहा था कि जो ब्रायोफाइटा उनकी डिवीजन हुई थ्री क्लासेस में हैपिडोकोपसीडा एंथ्रोसिरोटोपसीडा और ब्रायोपसीडा। ये थी तीन क्लासेस। आगे हैं मार्केंशियल्स इस फेरियोकार्पल्स जंगल मैनियल्स एंड ब्रायोपसीडा। और एंथ्रोसिरोटोपसीडा में हम सिर्फ एक ही ऑर्डर पढ़ते हैं और इस पर हमने डिटेल्स पे वीडियो बनाई है चेक कर सकते हो आप एंथ्रोसिरोटो एंथ्रोसिरोटियल्स। और ब्रायोपसीडिया में म्यूसी और ब्रायोपसीडियल्स पे भी मैंने वीडियो बनाई है आप चेक कर सकते हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। थैंक यू।